घनश्याम भाई, आप यहाँ पर कितने साल से समर्पित हो ज्ञान सरोवर में? भाई जी मेरे को यहाँ 24 साल हो गए। अच्छा, और एक बार पहले आप ज्ञान सरोवर के बाहर थोड़ा जॉगिंग करने जाते थे दौड़ने के लिए, रोज तो जाता उस था मैं। समय आपको भालू ने कुछ हमला किया था, तो विस्तार से बताओ थोड़ा सा कि कितने भालू थे, कितने बच्चे थे, क्या हमला किया था, भावा ने फिर आपको कैसे बचाया? हमारा रोज का रूटीन था, रोज हम वॉकिंग करने जाते थे। उस दिन भी 16 दिसंबर 2020, हाँ नहीं 2020, 2016 हाँ को हम ऐसे ही वॉकिंग जा रहे थे, तो अचानक क्या हुआ कि रास्ते में हमको 3 भालू मिले, लेकिन हाँ हमको पता नहीं था, वो अंधेरे में थे। तो ऐसे अचानक एक ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, अच्छा, और कितने बजे का टाइम था वो सुबह? सुबह 6 बजे का टाइम था, तो मौसम कौन सा था, ठंडी का बरसात का? दिसंबर का महीना था, ठंडी का थोड़े मौसम हाँ था। ठंडी का मौसम था, हल्का हाँ हल्का थोड़ी अंधेरा भी था, हाँ तो हमको देख नहीं पाए उनको, और वो काले भी होते हैं तो इतना देख नहीं पाए, हाँ तो रोड के नज़दीक ही थे वो, हमको पता नहीं लगा। जैसे हम पहुंचे तो एक ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, पीछे से हमला किया, तो मैं जैसे नीचे गिरा हाँ और तो वो मेरे सिर को खाने लगा, और तो सिर जैसे दिखाना जरा घनश्याम भाई, ये कैसा काटा है आपको? हाँ अच्छा, ये गड्ढा सा हो गया है। गड्ढा हो अच्छा गया, अच्छा तो ठीक है ठीक यहाँ है। हाँ सिर को खाना चालू किया। अब जैसे हाँ उसने खाना चालू किया तो मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि बहुत पेन हो रहा था, जब वो उसके दांत ऐसे गड़ रहे थे तो बहुत मेरे को पेन हो रहा था। तो जब मैं बाबा बाबा चिल्ला रहा था, तो एक पीछे से आया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने देखा है तो एक और आ गया, फिर एक और आया जिसने पैर पकड़ लिया, हाँ और उसने पूरा हाथ चबा दिया मेरा, एक पैर खा रहा था, और मैं बहुत जोर जोर से बाबा 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 चिल्ला रहा था। चिल्लाते पता नहीं बाबा ने कुछ ऐसा कमाल किया, वो तीनों के तीनों मेरे को छोड़ के जाने लगे, और हाँ जैसे जाने लगा तो मैंने कहा वो जा रहे हैं, तो थोड़ी दूर जाने के बाद फिर मैंने देखा तो मेरे सिर की पूरी खाल उन्होंने निकाल दिया था, पूरा गाल फाड़ दिया था। तो फिर मतलब मैं ब्रेन दिखने लगा था आपका। पूरी मतलब खोपड़ी पूरी दिखने लगी थी, पूरा लटक गया था पीछे। अच्छा घनश्याम भाई, ये आपका भालू के युद्ध कितने मिनट तक हुआ? ये मुश्किल से 1.5 2 मिनट तक ही चला। युद्ध चला आपका, हाँ तो मतलब वो जो दो तीन भालू थे, तो उसमें दो बच्चे थे क्या? हाँ दो छोटे थे एक बड़ा तो मतलब था। माँ के संग उसके हाँ दो बच्चे हो सकता है माँ हो। थे। अच्छा, तो मतलब आपको अभी अभी आप जाते हो वॉकिंग करने? नहीं अभी मैंने छोड़ दिया छोड़ दिया, छोड़ तो मतलब दिया। आपको ये नया जीवन एक प्रकार से बाबा ने दिया है। हाँ जी अच्छा, तो अच्छा अभी आप सेवा कहाँ करते हैं? मैं आर्ट गैलरी में सेवा करता हूँ ज्ञान अच्छा, सरोवर कितने में, साल से आप समर्पित हैं? मेरे को समर्पित तो हुआ है 24 साल हो गया। अच्छा, तो ये घनश्याम भाई से आपने सुना ज्ञान सरोवर में है, 24 साल से समर्पित हैं। हम भी इनके संगे हमारे भंडारे में सेवा, हमें तो जानते ही हो आप राजीव भाई, तो ये आपके लिए हमने मतलब बताया है, इसलिए वीडियो बनाया कि मतलब बाबा अपने बच्चों की कैसे मदद करता है, तो इससे हम लोग लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, ओम शांति।